हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज जो हम सब्जेक्ट करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस स्टडीज। ये 11th क्लास का एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, ठीक है बेटा। अब बात ये है कि सर ये बिजनेस स्टडीज में आप हमें पढ़ाओगे क्या? बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको ये समझाया जाएगा कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या, व्यापार होता क्या है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इसको किस किस टाइप से किया जा सकते हैं, मतलब कि जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एक बिजनेस को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है वो किस किस टाइप से क्रिएट की जाती है, कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया जाएगा कि बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है, जो पैसा है, उसके सोर्स क्या क्या है, मतलब कि जो बिजनेस के लिए पैसा है वो हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। यही सब कुछ हम सीखने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो आज इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज या बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो चैप्टर का नाम। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज। सर ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो एक ह्यूमन बींग परफॉर्म करता है। आप मैं और हम सब लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटी बोलेंगे। जो भी एक्टिविटी आप मैं हम सब लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। अब जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि मैं खुद अपना अगर एग्जाम्पल लूं तो मैं सुबह से अगर आपको रात तक का अपना शेड्यूल बताऊं कि मैं पूरे दिन में क्या क्या काम कर रहा हूं तो आप वहां से आइडिया लगा लेंगे कि मैं कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, जो आज हमारा टॉपिक है। बेटा देखो मैं सुबह उठता हूं, शावर लेता हूं, नहाता हूं, नाश्ता करता हूं और उसके बाद स्कूल चला जाता हूं। स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाता हूं, घर आता हूं, घर आके उसके बाद फिर से मैं ट्यूशन क्लासेस देता हूं और वहां पे बच्चों को पढ़ाता हूं। फिर उसके बाद मैं घर जाकर टीवी देखता हूं थोड़ी देर के लिए और अपनी फैमिली से बातें करता हूं। साथ ही साथ मेरे जो कजन्स हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको मैं पढ़ाता हूं घर पर। ये मेरे पूरे दिन का शेड्यूल होता है। अब मेरे को क्या करना है, जितनी भी मैंने एक्टिविटीज की इन सबको कैटेगराइज करना है दो पार्ट्स में। एक पार्ट का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे का पार्ट का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो दोनों अलग अलग होंगे, जिसके बेसिस पे हम बोल सकेंगे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिस एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, पैसे कमाने का है, या जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, जिस एक्टिविटी को करने से आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। वेल्थ का मतलब आप ये लगा सकते हो जिससे आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है या फिर आप ये बोल सकते हो जो आपका पैसा है वो बढ़ता है, वो आपकी कौन सी हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं स्कूल में जाके पढ़ाता हूं, आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो स्कूल में जाके जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके बदले वो मेरे को क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो स्कूल में पढ़ाने का और ट्यूशन में पढ़ाने का रीजन क्या है, वहां पे उस काम को करने का रीजन क्या है, पैसा। रीजन क्या है, पैसा, कि मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूं, मनी के लिए, फॉर अर्निंग मनी। तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे वहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी मैं एक्टिविटीज कर रहा था जिसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज थी जिसके बदले में मेरे को पैसे मिलने वाले हैं वो कौन सी एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जो मैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूं, जो किसके लिए करता हूं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, वो मेरी कौन सी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर आप ये बोल सकते हैं जिससे आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, जिन एक्टिविटीज को करने से आपकी वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी,
जिन एक्टिविटीज को करने से आपकी वेल्थ का क्रिएशन नहीं होगा वो कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने शावर लिया घर जाके, तो शावर लेने के या नहाने के मेरे को पैसे नहीं मिलते, वो सिर्फ किसलिए करते हैं? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातें की, मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाया, एक्टिविटी तो वो भी हुई ना, लेकिन उसके बदले में मेरे को पैसे नहीं मिले, तो वो कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बेटा, अब बात आती है पढ़ाने की। तो पढ़ाया मैंने स्कूल में भी जाके, पढ़ाया मैंने घर पे भी जाके, पढ़ा मैं स्कूल में भी रहा हूं, पढ़ा मैं घर पे भी रहा हूं। तो जो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वो बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसके बदले में मेरे को सैलरी मिलती है, तो वो कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन घर आके मैं अपने भाइयों को पढ़ाता हूँ तो वो मेरे को उसके बदले पैसे नहीं देते, वो सिर्फ मैं किसलिए करता हूँ? मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। या आप ये बोल सकते हो जो मेन है यहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन, साथ ही साथ आप यहाँ पे बोल सकते हो सोशल वेलफेयर के लिए अगर हम कुछ करें। सोशल वेलफेयर के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे बेटा अभी आपने देखा है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना कोविड-19 चल रहा है इस टाइम पे, तो लोगों ने लंगर सेवा स्टार्ट की हुई है, तो वो जो लंगर सेवा चल रही है उसके बदले लोगों से पैसा नहीं लिया जा रहा, वो सिर्फ किस लिए करते हैं? अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब खुद की संतुष्टि के लिए करते हैं, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर के लिए यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए उस काम को कर रहे हैं। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक का मतलब जिसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव पैसा कमाना है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव, मेन पर्पस सोशल वेलफेयर या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जिसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा वो नॉन इकोनॉमिक, जिसके बदले में पैसा मिलेगा वो इकोनॉमिक। ठीक है बेटा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट्स में। तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, और उसको सीखेंगे कि क्या क्या है ये। आई होप बेटा आपको जो भी मैं समझा रहा हूं वो समझ आ रहा होगा। ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी हमने पढ़ी, इसके तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है बिजनेस, एक पार्ट का नाम है प्रोफेशन, और एक पार्ट का नाम है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस यानी कि व्यवसाय, प्रोफेशन यानी कि पेशा, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। इन तीन पार्ट्स में अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है। तो बिजनेस का मतलब क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी conducted on regular basis for earning money is termed as business। और ये जो अर्निंग मनी होगा यहां पे, ये कैसे कर सकते हैं? अर्निंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन, सेलिंग एंड परचेजिंग। मतलब कि बिजनेस का मतलब क्या है बेटा? बिजनेस आप लोगों को पता है, बिजनेस हम बोलते हैं कि आपका क्या काम है, हम दुकान चला रहे हैं, हम राशन की दुकान चला रहे हैं, हम कपड़े की दुकान चला रहे हैं, तो वो क्या है? आपका बिजनेस है।
तो मतलब कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी बिजनेस की कंडीशन है बेटा। इसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? पहली बात तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मैंने सबसे पहले लिखा, प्लस रेगुलर होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग प्लस सेल परचेज और प्रोडक्शन होनी चाहिए, तब आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो आपका बिजनेस है। मतलब जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा हम उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। पहली बात वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वहां पे लेन देन होना चाहिए पैसों में, उसका जो मेन काम है वो पैसों के लिए किया जा रहा है। नंबर दो पे वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, नंबर तीन पे प्रॉफिट अर्निंग के लिए आप वो काम कर रहे हो, नंबर चार उसके अंदर सेल परचेज और प्रोडक्शन आनी चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो? बिजनेस बोल सकते हो। तभी आप उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। ये आपकी बिजनेस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग क्लियर किया। इसके अंदर क्या होनी चाहिए? सेल परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका बिजनेस है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, और उसका मेन जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग का होता है, और उसके अंदर किया क्या जाता है? सेल परचेस की जाएगी या प्रोडक्शन की जाएगी, किसकी? गुड्स की और सर्विसेज की। तो अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं कि सर मैंने भी अब 11th में प्रमोट होना है, तो मैंने क्या किया था? जब मैं 10th में था मैंने 10th क्लास की बुक्स परचेस की, 10th क्लास की बुक्स परचेस करी, तो मैं परचेस तो कर रहा हूं तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर। फिर मैंने क्या किया? वो जो बुक्स थी पूरी 10th पढ़ने के बाद मैंने उसको सेल कर दिया, तो मैं सेल भी कर रहा हूं, परचेस भी कर रहा हूं, सेल भी कर रहा हूं, और सेल करने पे मेरे को प्रॉफिट भी हो गया, तो प्रॉफिट भी हो गया। तो क्या सर मैं बिजनेस कर रहा हूं यहां पर? नहीं बेटा, आप बिजनेस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, परचेज भी कर ली, सेल भी कर ली, प्रॉफिट की भी कमा लिया और पैसों का लेन देन है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। लेकिन क्या सर ये बिजनेस है या नहीं है? बेटा ये बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे आप, आपने तो एक ही बार ही किया ना। लेकिन जो बुक सेलर है, बुक सेलर क्या करता है? कॉन्टिन्यूस बुक्स परचेज करता है और उन बुक्स को सेल करता है। किस काम के लिए? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो वो उसका बिजनेस है। मैंने क्या किया? मैंने एक बाइक परचेस की पुरानी 20,000 रुपए की, और उसके बाद 6 महीने चला के मेरे को मजा नहीं आया उस बाइक को चलाने में, मैंने वो बेच दी 25,000 की। बाइक परचेस की 6 महीने रखी और उसके बाद 25,000 की बेच दी, तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं करता। मैंने तो एक बाइक ली, बाई चांस प्रॉफिट हो गया और मैंने बेच दी। तो बेटा बिजनेस का मतलब ही क्या है वहां पे? कि आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, किस काम के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, और रेगुलर बेसिस पे अगर ये काम कर रहे हैं तो ही वो आपका बिजनेस है, अदरवाइज आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा? तो ये आपकी फर्स्ट है बिजनेस। उसके बाद आ जाओ प्रोफेशन पे, इसके बाद आ जाए प्रोफेशन पे। बेटा ये नोट साथ साथ कर लेना प्लीज आप, और अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद प्रोफेशन क्या है बेटा? प्रोफेशन का मतलब एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज
एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, मतलब कि कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपको कोई स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो आपका प्रोफेशन है। जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एटसेट्रा। ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं अपनी स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे। मतलब कि जो आपका डॉक्टर है, डॉक्टर ने पहले एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर करी और उसके बाद अपनी सर्विसेज को आपको सेल कर रहा है इन रिटर्न ऑफ मनी। डॉक्टर क्या करता है, आपको अपनी सर्विसेज देता है इन रिटर्न ऑफ मनी। डॉक्टर जो है उसने पहले डॉक्टरी की एमबीबीएस करी, उसके बाद वो डॉक्टर बन गया, यानी कि पहले उसने स्पेशल नॉलेज एक्वायर कर ली। स्पेशल नॉलेज एक्वायर करने के बाद वो अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा है, अपनी सर्विसेज को दे रहा है आप लोगों को, और उसके बदले में वो क्या लेता है, आपसे फीस लेता है। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है वो आपका प्रोफेशन है। एग्जाम्पल लिखती है डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा। तो इसके साथ साथ इसकी कुछ कंडीशंस और भी होती हैं, वो आपको आगे एक्सप्लेन की जाएगी। खाली ये नहीं है कि स्पेशल नॉलेज है तो आप प्रोफेशन में हो, और भी कंडीशन होती हैं। इसकी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने डॉक्टर लिखा, तो डॉक्टर को मैं प्रोफेशन इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड होता है स्पेशल नॉलेज, जो कि डॉक्टर के पास होती है, वो सेटिस्फाई होगी। नंबर दो, एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होनी चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करे। तो डॉक्टर्स जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपकी बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। मतलब पहली कंडीशन थी स्पेशल नॉलेज, वो होगी। नंबर दो पे एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आ गया, आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया, तो इसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, मतलब कि इनको काम कैसे करना है, लोगों से कैसे डील करना है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो ही वो आपका प्रोफेशन है, ठीक है बेटा। तो डॉक्टर जो है वो प्रोफेशन में आते हैं क्योंकि इनको पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जाके डिग्री लेनी पड़ती है। डिग्री लेने के बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक संगठन है जो सारे डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि आपको लोगों से डील कैसे करना है, इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, तब हम इसको प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट, जो आपका नेक्स्ट है उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वर्किंग अंडर अनदर पर्सन रेगुलरली इन कंसिडरेशन ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन के लिए आप क्या करते हो, किसी वर्किंग अंडर अनदर पर्सन, या आप बोल सकते हो वर्किंग अंडर एनी अदर पर्सन रेगुलरली इन कंसिडरेशन ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब यहां पे हो सकता है सैलरी, वेजेस, कमीशन एटसेट्रा। तो बेटा अगर आपने बिजनेस सीख लिया, बिजनेस में अगर कोई हम सेल परचेस कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज की, या उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर अर्निंग मनी, तो वो आपका बिजनेस है।
प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर आप खुद ही काम करते हो, खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप काम करेंगे, ठीक है। और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, वर्किंग अंडर एनी अदर पर्सन रेगुलरली इन कंसिडरेशन ऑफ रेमुनरेशन। अगर हम किसी दूसरे पर्सन के अंडर, किसी दूसरे पर्सन के नीचे या किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं रेगुलरली, तो वो हमारे लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन कंडीशन ये है कि मैं उस बंदे के नीचे काम कर रहा हूं या उस पर्सन के लिए काम कर रहा हूं, तो उसके बदले में वो मेरे को कुछ रेमुनरेशन दे, यानी कि कुछ ना कुछ पैसे दे। अब वो पैसे की फॉर्म हो सकती है सैलरी, वो मेरे को उसके लिए तनख्वाह दे, वेजिस यानी कि मजदूरी दे, या फिर कमीशन दे, तभी मैं उस पर्सन के लिए काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसी कंडीशन में काम कर रहा हूं तो मैं किस में हूं, एम्प्लॉयमेंट में। जैसे कि मान लो मैं स्कूल के अंदर पढ़ाता हूं, तो स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूं तो स्कूल वालों के लिए काम कर रहा हूं, स्कूल के लिए काम कर रहा हूं ना मैं, और वो उसके बदले में मेरे को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया कि मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता हूं। या अब सर कोई एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो प्रोफेशन में भी हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट में भी होती है। हाँ बेटा हो सकती है, डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर प्रोफेशन में तब काउंट होंगे अगर वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर्स प्रोफेशन के अंदर तब काउंट होंगे अगर उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक बनाया हुआ और वो उसको चला रहे, तो वो प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन अगर वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं किसी की दूसरे के लिए, तो वो किस में आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। तो बेटा प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट इस टाइप से है। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी हमने किया यहां पर। ह्यूमन एक्टिविटीज को पहले हमने सीखा, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब जो एक्टिविटीज है ह्यूमन बीइंग करता है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके ऑब्जेक्ट के बेसिस पे और वेल्थ क्रिएशन के बेसिस पे। अगर उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है और उससे आपकी वेल्थ जो है वो जनरेट हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो वो आपके लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसका मेन मकसद या मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, या तो वो आप सामाजिक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं या फिर खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से फर्स्ट थी बिजनेस, नंबर दो पे आपका था प्रोफेशन, नंबर तीन पे आपका था एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर आप गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेस करते हो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। और प्रोफेशन के अंदर हम एक कोई स्पेशल नॉलेज एक्वायर करके आते हैं, उस नॉलेज के बेसिस पे हम लोगों से पैसा कमाते हैं, तो वो प्रोफेशन है। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी पर्सन के अंडर जाके या किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे हो और उसके बदले में उससे सैलरी वेजेस या फिर कमीशन ले रहे हैं, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है बेटा। थैंक यू। अगली वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे कि बिजनेस क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, पूरा बिजनेस के ऊपर एक अच्छी सी डिटेल स्टडी करेंगे हम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट होगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ओके बेटा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वहां मेरे से शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फोन नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को यूट्यूब पे, ओके बेटा। थैंक यू।